है, मैं MQM से ताल्लुक रखता हूँ, हमारी गवर्नमेंट है ये, मेरी गवर्नमेंट है ये, मेरे पास मेजॉरिटी मौजूद है काउंसिल के अंदर, मैं एक सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़के जीत के आया हूँ। जब मैं किसी इलाके में काम करूँगा, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट का इलाका हो, जाहिर है मैं उसको लोगों को बताऊँगा कि मैं काम कर रहा हूँ, MQM काम कर रही है, मैं कोई चोरी छुपे थोड़ी काम कर रहा हूँ। इलेक्शन कैंपेन तो चलाए सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, मेरा क्या काम है इलेक्शन कैंपेन से? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ लोगों की भलाई के लिए, सिवरेज का भी काम कर रहा हूँ, सड़क का भी काम कर रहा हूँ, तो ये तो मेरा हक बनता है भाई। MQM काम करा रही है, बबांगे दोहल में बोलूंगा MQM काम करा रही है, मेरे लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं वहाँ। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि बरसाती नालों की सफाई और सिविल वर्क्स के लिए KMC में एमरजेंसी नाफिज कर दी। वाटर बोर्ड, यूटिलिटी इदारों, DMCs, कंटोनमेंट्स और DHA समेत तमाम मुतालिका इदारों को ऑन बोर्ड ले लिया है, तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं, ईद के बाद इस प्रोजेक्ट पर भी भरपूर काम शुरू कर देंगे। नालों की सफाई के लिए ओपन टेंडर किया है, हम चाहते हैं इस मकसद के तहत मिलने वाले 50 करोड़ रुपए को सही तरीके से इस्तेमाल करें, नालों की सफाई के साथ साथ उन पर मौजूद तजावुजात को भी मसमार करेंगे। क्लीनिंग के बाद सॉलिड वेस्ट का जो डिस्पोजल है उसको प्रॉपरली हैंडल किया जाए, ना कि फिर से नालों में कचरा फेंका जाए। हमने कोई 7 ऑफिसर्स तैनात किए हैं, दस ऑफिसर्स तैनात किए हैं हमने, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटर करेंगे कि अगर कोई दुकान, कोई रेस्टोरेंट जो है वो कचरा फेंक रहा है तो उसको चालान करेंगे सेक्शन 133 पे। मैं अभी भी कहता हूँ ये सोल्यूशन नहीं है कि हर साल आप 50 करोड़ दे दें और फिर कुछ हो, कुछ भी नहीं। आपको ये एरियाज क्लियर करने होंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को सही करना होगा, गार्बेज का डिस्पोजल सही करना होगा, सीवरेज का डिस्पोजल सही करना होगा, तो जाके ये स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन एक अच्छी शक्ल में आ सकते हैं। हर ज़िले में मॉनिटरिंग के लिए अफसरान तैनात किए हैं, पूरी कोशिश है कि इस बार सही तरीके से नालों की सफाई और मुरम्मत का काम कर दें ताकि हर साल ये मश्क ना दोहरानी पड़े। कराची का 60% से ज़ायद कचरा नालों में जाता है जिसकी वजह से शहर में बीमारियां बढ़ रही हैं, जब तक तमाम इख्तियारात एक छतरी तले नहीं आएंगे निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। ये बात जहाँ जहाँ नालों कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, जहाँ जहाँ नालों के बीच में कोई इंक्रोचमेंट आएगी, अगर वो ऐसी इंक्रोचमेंट है कि फौरी हम रिमूव कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हम उनको रिमूव कर सकते हैं, हमारी मीटिंग डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ रेंजर्स एंड पुलिस से भी हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, दे आर ऑल ऑन बोर्ड। हमने आपने हमारा एक फंक्शन देखा होगा एम्प्रेस मार्केट वाला, उसके बड़े अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं, हमने इंक्रोचमेंट क्लियर की है वहाँ से और उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम वो इंक्रोचमेंट जो बिल्डिंगों की शक्ल में आ गई हैं नालों के ऊपर जिसमें लोग रह रहे हैं, जाहिर है वो इंक्रोचमेंट अभी हम रिमूव नहीं कर सकते, मगर ऐसी इंक्रोचमेंट जो सामने है और कोई ऐसा जानी नुकसान उसमें नहीं हो सकता, किसी ने ज़बरदस्ती कोई बैठ गया नाले के ऊपर, उसको हम रिमूव करते जाएंगे। जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, जो टेक्निकल टीम है, वो हमें गाइड करती रहेगी कि इसको रिमूव करना है कि इसको छोड़ना है। मेयर कराची ने कहा कि हमारी एक माह से भी ज़ायद अरसे से कोशिश थी कि मानसून की आमद से कबल नालों की सफाई के लिए काम किया जाए। इस हवाले से वजीर आला को भी समरी भेजी थी कि नाले दोबारा चौक हो गए हैं, जबकि वाटर कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हिदायत मिली है कि KMC 30 यौम के अंदर अपने 38 नालों को साफ करे, लिहाजा हमने इस हुक्मनामे के तहत KMC में इमरजेंसी लगा दी है और इंजीनियरिंग, फायर ब्रिगेड, मेडिकल एंड हेल्थ और सिटी वार्डन डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड ले लिया है। कंटोनमेंट बोर्ड की जो ये दीवारें हैं ये डिस्कशन में आई थी कोर्ट के और वहाँ ऑर्डर्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इनको फौरन रिमूव किया जाए, जो कि मेरे ख्याल में एक्शन हो रहा है, वो खुद ही कर रहे हैं मेरे ख्याल में। दूसरी क्या बात थी? देखिए वाटर बोर्ड, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को ना कि हमने कोर्ट के सामने, वाटर कमीशन के सामने सारे डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया है। वाटर बोर्ड भी वाटर कमीशन के सामने खड़ा हुआ है आके, उसने भी अपनी जिम्मेदारी कबूल की है वहाँ,
آنے والے وقت میں جو وہ ہمیں ہیلپ کر سکے گا، فیسیلیٹیٹ کر سکے گا، اس کا فرض بنتا ہے، وہ کرے گا۔ یہ میرے سامنے نہیں، چیف جسٹس صاحب کے سامنے بھی اور جو واٹر کمیشن کے سربراہ ہیں ہانی صاحب، ان کے سامنے بھی وہ آن ریکارڈ ہیں۔ تو ہم سب مل کے دس ول بی اے ٹیم ورک جو کیا جائے گا آگے۔ اور جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے، پیسے کا استعمال کا معاملہ ہے، ہم خود سب آن بورڈ ہیں، انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہونے دیں گے۔ جتنے یہ کینٹونمنٹس ہیں، ایریاز، جتنے ڈی ایچ اے ہیں، ان کا کنٹرول کے ایم سی کے پاس۔ جب تک ایک امبریلا کے نیچے نہیں آئے گا کوئی بھی سسٹم ٹھیک نہیں چل سکتا۔